राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऋतिक बॉक्सर को 8 दिन की पुलिस रिमांड। ऋतिक बॉक्सर खोलेगा लॉरेंस के राज। दरअसल जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राज उगलवाने की कोशिश करेगी। इस बीच पुलिस ने रंगदारी की एक दूसरी वारदात को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 और बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। एक्शन मोड पर दिख रही राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को कोर्ट के आदेश के बाद 29 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जयपुर में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने ऋतिक को 8 दिन के लिए रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। रिमांड के दौरान पुलिस ऋतिक बॉक्सर से उसके अपराध सिंडिकेट के अलावा जयपुर में कारोबारियों को रंगदारी के लिए दी गई धमकियों के बारे में भी पूछताछ करेगी। बता दें कि ऋतिक बॉक्सर ने 30 जनवरी को जयपुर के नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस गोलीबारी के बाद सनसनी फैल गई थी। एक के बाद एक 17 राउंड फायर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गोलीबारी की इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बाकायदा ये जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग के बॉक्सर ऋतिक और अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। धमकी भरे अंदाज में वो लिखते हैं, सबका नंबर आएगा। बहरहाल इस बीच पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 5 और बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कालवाड़ पुलिस टीम ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।